एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों पति पत्नी हो? हाँ हम हैं पति पत्नी, ये किसी और का पति, मैं किसी और की पत्नी। ओह ग्रेट, क्या बात है। अच्छा आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हैं, तभी तो अपनी शादी के बाद भी हम एक दूसरे को भुला नहीं पाए, है ना? ओके, तो पहले ना मुझे आपके साथ एक गेम खेलना है, क्या आप एक गेम खेलोगे? हाँ खेलने में बहुत माहिर हूँ मैं। अच्छा बताओ क्या खेलना है? आपको उनको छोड़ना है। दिमाग खराब है क्या? पागल वागल हो गया तुम, छोड़ने वाला गेम नहीं खेलता मैं। मैं आपको पैसे दूंगी। पैसों के लालची नहीं मेरा बॉयफ्रेंड। वैसे कितने पैसे दोगे तुम? बस ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ कैश है मेरे पास 1.5 लाख रुपए, और 50,000 मैं आपको गेम के बाद दूंगी। हाँ स्टार्ट करो गेम, बताओ जल्दी क्या करना है। कुछ नहीं, इनको छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ दोगे? पागल है क्या? छोड़ कौन रहे, एक बार ही पैसे ले लूंगा फिर उसके बाद क्या? ये क्या बात करो सर, पागल हो गया? आपको मैं पागल नजर आती हूँ? आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगी इसको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए, कभी ना इसको फोन करो। मैडम 2 लाख रुपए के लिए नहीं छोड़ता मैं, पैसे बढ़ाओ 5 लाख दो तो कुछ सोचूं भी मैं। ठीक है डन, 5 लाख दूंगी, हमेशा के लिए इसको छोड़ना होगा। हाँ छोड़ दूँ हमेशा के लिए, अब 5 लाख रुपए दीजिए मुझे। राहुल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम 5 लाख के लिए मुझसे ब्रेकअप करोगे? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे लिए ना मैंने इतने अमीर आदमी से शादी की ताकि हम दोनों खुश रह सके। तो प्रॉब्लम क्या है, तुम भी तो पैसे के लिए चिकने के साथ रहती हो। इतने टाइम से बोल रहा हूँ मैं छोड़ दो नहीं, पैसा पैसा मेरे पास आ रहा है ना पैसा, क्या दिक्कत है? और वैसे भी ना तुम मुझे छोड़ दोगे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख है, अबे तेरी जैसी दौर ले आऊंगा मैं, आई बात समझ में? और मैडम आप जल्दी से पैसे दो और गेम स्टार्ट करो। राहुल तुम पागल हो गए हो, मतलब अभी तक जो था वो सब नाटक था, है ना? मैं पागल हो गया और मुझे ना जरूरत है पैसे की, पैसा आएगा तो मैं ठीक भी हो जाऊंगा। और मैडम हाँ अगर आपको खिलवाना है ना गेम तो जल्दी खिलवाओ, वरना दोबारा कर लूंगा मैं सेटिंग इससे। अरे सर वो तो आपकी मर्जी ना, आप छोड़ो ना छोड़ो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको पूरे 5 लाख रुपए दे रही हूँ, और 5 लाख में तो आप बड़ी से बड़ी मॉडल अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, आजकल तो अमेजोन में भी लड़कियाँ मिलती है पैसों पे। अरे मैडम मुझे पता है कहाँ पे मिलती है लड़कियाँ, तुम बस पैसे दो लड़कियाँ तो मैं अभी ले आऊंगा। वो तो बढ़िया फिर तो। अरे मैडम गिन क्या रहे हो सारे, मुझे राहुल तूने मेरे पे हाथ उठाया, मन तो करे चप्पल भी उठाकर मारूं। अरे छोड़ो ना भाभी, वैसे भी क्या करोगी, थोड़ा दम घुट गया मेरा, गेम अच्छा था जैसे मजा आया, लेकिन तुम दोनों का तमाशा देख। ओ मैडम पैसे तो। कौन से पैसे, कौन सा गेम, कोई गेम में नहीं उड़ता। अच्छा? बस हकीकत दिखा तो रही थी। तुम पागल बना रहे थे इतनी देर से। पागल बनाने की जरूरत नहीं है, पागल को पागल ही बनाऊंगी ना, जब पीछे होकर बात कर तमीज में। पैसे दो ना ये मेरे, मान ले इसको, बता से कौन हूँ मैं। मैं कौन है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कौन हूँ जिस सीखने की तू इतनी देर से बात कर रहा था, उसकी बहन हूँ और तमीज में बात कर, वो मेरा भाई है समझा तू भैया। अरे चिकना तो यही आ गया, बहुत अच्छा कर गए तुम यहाँ पे। वैसे भैया मुझे तो इतनी ज्यादा शर्म आ रही है अपने आप से और अपनी फैमिली वालों से कि ऐसी लड़की हमारे घर की बहू थी ये। तुमसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। ये मुझे सिखाती थी कि घर पे तुम लड़की हो तुम्हें सूट साड़ी पहनना चाहिए, खुद ऐसे कपड़े पहन के इस बॉयफ्रेंड से मिल रही है। अच्छा घर आने से पहले कपड़े चेंज करती हो, यहाँ आके फिर चेंज करती हो। अरे वाह वो तो शुक्र है कि मैंने और पापा ने देख लिया था। बेबी यार वो अपने हस्बैंड को कब छोड़ोगे? राहुल तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ यार उसे। तुम्हें पता है कि जो भी हम खर्चा करते हैं उसी के पैसे की वजह से करते हैं, और मैं गरीबी में ऐसे नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे रहना पड़ेगा उसके साथ। क्या प्रॉब्लम है क्या? देखो तो एक बार उसको तो देखो, मीठा सा लगता मुझे तो, ना उसके दाढ़ी आती। राहुल मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन जब तक हम अच्छे से कुछ कमाने का कोई सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और अगर मैंने उसे भी छोड़ दिया तो हम क्या मतलब खाएंगे? आप उससे प्यार नहीं करते क्या? राहुल ऑफ कोर्स प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर उसे छोड़ दिया तो हम खाएंगे क्या, क्या पियेंगे? मैं कर लूंगा ना जॉब, छोटी मोटी जैसे ही मिलेगी मैं करूंगा। तो राहुल मैं... पहले जॉब ढूंढो फिर इस बारे में बात करें। पापा क्या हुआ बेटा? देखो भाभी ये तो अपनी बहू है। हाँ वो भी ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? घर में तो सूट साड़ी पहनती है और बड़ी ज्ञान की बातें देती है कि तुम्हें भी साड़ी पहननी चाहिए। उन्होंने तो मुझे साड़ी पहनना सिखा दिया और खुद इतने छोटे कपड़े पहन के यहाँ घूम रही है। ये तो बेटा सबको धोखा दे रही है। वही तो सीनू, सीनू कहाँ है? भैया क्या भैया तो सिर्फ काम पे फोकस करते हैं और वही काम कर रहे होंगे, शर्म आनी चाहिए इसको। इसको तो मैं बताती हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है इसका साथ सामने लाने के लिए।
ठीक है चलो आप मेरे साथ। जब दीदी ने मुझे बताया ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दीदी ने और पापा ने किसी और को देखा होगा, लेकिन तुम मुझे ऐसे धोखा दोगी। अरे कमी क्या छोड़ी थी, जो तुम मांगती थी वो तुम्हें मिलता था। और हाँ, तुम क्या बोलती थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी ट्रेडिशनल के अलावा कुछ भी नहीं पहना, तो ये क्या है? और ये सब छोड़ो, ये कौन है? आशिक, इसको आशिक कहते हैं भाई। शायद हमारी लैंग्वेज हम लोग इसको जानते ही नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी ये सब चीज चली नहीं, लेकिन इनके फैमिली में बहुत अच्छा चलता है। धोखा देना, पति को धोखा देना, फैमिली को धोखा देना, अपने घर वालों को धोखा देना। अरे नहीं करनी थी शादी, नहीं पसंद था मेरा भाई, नहीं पसंद थी मेरी फैमिली, तो छोड़ देते ना भाई। पैसों के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करी थी? बिल्कुल सही। बता देती एक बार, अगर तुमने मुझे बोल दिया होता ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो तुम्हारी खुशी के खातिर ना मैं खुद तुम्हें छोड़ देता। अरे मैं खुशी खुशी छोड़ देता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया, तुम सोच भी नहीं सकती कितना हॉट हो रहा है हमें। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तलाक ले लेती ना, एलिमनी भी तो मिलती है ना, मिल जाती तुझे तेरे खर्चे के लिए। शर्म आती है, इज्जत तो दे नहीं सकती। आप करके जो घर पे बात करती हूँ यहाँ तो नहीं हो सकता, तू तड़ाके से ही बात करूंगी। और हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये पूरे 1.5 लाख रुपए ये भी मिलेंगे और 5 लाख रुपए और दूंगी। अच्छा भाई इसको छोड़ दिया, और दोबारा कभी इसकी तरफ देखना मत। मैं चाहती हूँ उसको सबक ऐसा मिले कि कोई ना, मैं चाहती हूँ उसको ऐसा सबक मिले, ना इसका बॉयफ्रेंड रहे ना इसका हस्बैंड रहे इसके साथ। ये पकड़ो पैसे। हाँ मैडम, चलो मैं जानता हूँ उसे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और बाकी के 5 लाख कब दोगे? बाकी के पैसे आपके घर पहुँच जाएंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं, घर पे नहीं पहुँचाना, मेरा नंबर ले लो। अबे ओ, तमीज से बात कर, बहन है वो मेरी। कितने पैसे देने तुझे? लिखना नंबर फिर। नो, 1990 तेरा। चेक कर, पहुँच गए। और अब निकल यहाँ से। और हाँ, दोबारा ना गलती से इस लड़की, धन्यवाद मैडम, मैं नहीं जानता इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, अपना फैमिली मैटर निपटो। और हाँ दीदी, आपको जो देना था आपने उसे दे दिया, लेकिन मुझे भी अपनी वाइफ को कुछ देना है। मैं इसे जब भी कहीं बाहर ले जाता हूँ ना, तो इसे एक गिफ्ट जरूर करता हूँ। और आपको पता है, याच खुद बाहर आ गई तो एक गिफ्ट तो बनता है ना। तो तुमने मेरे साथ किया वो आज तुम्हारे साथ भी हो ही गया। और एक बार बताऊं, ये थप्पड़ उस लिए था, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो वो आपका हाल हुआ। मिस भाभी, ओ नहीं नहीं सॉरी, महक राणा जी आपके लिए। ठीक है, तो बॉयफ्रेंड भी गया और हस्बैंड भी गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप जैसी लड़कियों को इसका रिग्रेट नहीं रहेगा, ना कुछ सॉरी फील करना, गिल्ट फील मत करना। अभी नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, इमिन नया मुर्गा काटते रहना, रोज एक नया अंडा देगा। ठीक है, डिवोर्स के पेपर ना जय माता दी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। और आज के बाद ना ये थोबड़ा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना।